हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ES मैथमेटिक्स पाठशाला में। आज आपके लिए जो आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की GS प्लस मैथ्स दोनों की मैं बताने जा रहा हूँ। साथ में आपको इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइस एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे क्या है, मैंने ये जो आंसर की है वो बी का है। आप उससे कोई मैटर नहीं करता, सब में क्वेश्चन सेम ही होंगे, बस क्या होता है सीक्वेंस चेंज होगा। तो बस आप आंसर देख के मैच कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो मैं पढ़ के बोलूँगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, इसलिए आप आंसर मैच कर लीजिएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट इंडिया वाला इंडियन, इसका जैसलमेर, ठीक है। और थर्ड जो रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है इसका 30 क्वेश्चन, मतलब आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा और ये 30, ठीक है। और अगला फोर्थ पूछा है शहर को, मतलब किस शहर को काली नगरी कहा जाता है, तो ये भदोही करेक्ट हो जाएगा। और इसमें पूछा है आपसे पाँचवें में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 77.7% सही हो जाएगा। और कौन सी नदी है जो मकर रेखा को काटती है, लिम्फो, ठीक है, लिम्फोपो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सातवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आठ का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और नाइन का बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो प्लीज़ गाइज आप इसका आंसर मैच करिए। दसवें का आंसर हो जाएगा वाराणसी और ग्यारहवें का आंसर हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बारहवां जो लिखा है इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, तेरह का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, चौदह का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पंद्रह का डी। और सोलह की बात करें तो सोलह का डी होगा, सत्रह का बी होगा, अट्ठारह का बी होगा, उन्नीस का भी बी ऑप्शन सही होगा और 20 का ए ऑप्शन सही होगा और 21 का बी ऑप्शन सही होगा, 22 का भी बी ऑप्शन सही होगा, 23 का सी ऑप्शन सही होगा और 24 का डी ऑप्शन सही होगा, 25 का बी, 26 का डी, 27 का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा और 29 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बट अभी ये 100% श्योर नहीं है, फिर भी 99% सही हो सकता है, ठीक है। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 31 का अगर बात करें तो डी ऑप्शन, 32 का बी ऑप्शन, 33 का जो होगा वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 34 का जो ऑप्शन होगा वो 24 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 36 के अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 37 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और 38 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 39 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा और 40 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ तक तो गाइस GS के रहे थे आपके सारे क्वेश्चंस 40। इसमें क्वेश्चंस में डाउट है जो मैंने बता दिया है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, या वो 99% तो करेक्ट है बट आयोग की आंसर की आएगी तो उससे मैच कर लीजिएगा। 39 तो आपके करेक्ट आंसर्स हैं। और अभी देख लीजिएगा मैथ में आपका कोई भी डाउट नहीं है, मैथ में सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कितना हो जाएगा, 41 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 42 की बात करें तो डी, 43 की बात करूं तो थ्री सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 44 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये क्या है, ऑप्शन सेट नंबर वी का है। अगर आपको किसी का सेट ए सी या डी होता है तो क्वेश्चन देख के आंसर मैच कर लेगा कि कौन सा क्वेश्चंस का कौन सा आंसर करेक्ट था, ठीक है। 44 का बी हो जाएगा, 45 का बी, 46 का डी, 47 का सी हो जाएगा, 48 का ए, 49 का बी, 50 का डी, 51 की बात करें तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 52 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 53 का ए, 54 का बी, 55 का बी, 56 का ए, 57 का सी, 58 का वी, 59 का डी, 60 का डी, 61 का बी, 62 का बी, 63 का बी, 64 का बी, 65 का सी, 66 का ए, 67 का डी, 68 का सी, 69 का सी, 70 का डी,
71 सी, 72 का डी हो जाएगा, 73 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 74 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 75 का ए, 76 का वी, 77 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 78 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 79 का सी, 80 का वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 81 का सी, 82 की बात करूँ तो डी हो जाएगा, और 83 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 84 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 85 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 86 का वी, 87 का बी, 88 का ए, 89 का ए, 90 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 91 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 92 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 93 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 94 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 95 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 96 का ए, 97 का सी, 98 का सी, 99 का सी, 100 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 101 की बात करूं तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 102 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 103 का वी ऑप्शन करेक्ट होगा, 104 का ए, 105 का ए, 106 का ए, 107 का भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 108 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 109 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 110 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 111 का डी हो जाएगा, 112 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 113 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 114 का नन ऑफ दीज करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इसके आंसर्स की बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, बी 1 और बी 2 और इक्वल टू में होगा 2, वी 1 और वी 2। ये ऑप्शन करेक्ट होगा और ये किसी भी ऑप्शन में दे नहीं रखा है तो इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 115 का स्टोक्स बी ऑप्शन, 116 का माइनस 1 बी ऑप्शन, 117 का ई बी ऑप्शन, 118 का 0 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 119 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और 120 का वी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइस यहाँ तक ये सारे अभी हो चुके हैं आपके 120 पर्सनों के आंसर्स, ठीक है। अब मैच कर लीजिएगा। अब मैं आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ, ठीक है, क्या रहने वाली है। तो देखिएगा गाइस, ये आपका इन चार सब्जेक्ट में फॉर्म भरवाए गए थे। तो आपके मैथ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में टोटल 35 सीट्स थी। मैथ में टोटल सीट जो है वो 35 है, 14 अनरिजर्व सीट है, 4 EWS का है, 10 OBC का है, 7 SC का है, ST का कोई भी सीट्स नहीं है। तो भाई यहाँ पे होगा क्या, 35 सीट्स है तो यहाँ पे एक सीट पे 13 गुने बच्चे बुलाए जाने हैं। 13 गुने बच्चे का मतलब है 455 बच्चे बुलाए जाने हैं। और इलाहाबाद में जो सेंटर पढ़ा था वो दो सब्जेक्ट्स का पढ़ा था, मैथ्स का और केमिस्ट्री का। तो वहाँ पे ओवरऑल जो अभी देखा गया है कि कितना बच्चा प्रेजेंट हुआ है इस पेपर के लिए, ये रहा प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज की परीक्षा में सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न था वो थोड़ा टफ था। टफ लेवल का मतलब यूपी का भी जो पूछा गया था वो यूपी का भी थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिनकी उम्मीद नहीं होती। टफ तो नहीं बोल सकते ज़्यादा, बट टफ इसलिए हो जाता है कि जिसकी उम्मीद नहीं होती अगर वो चीज़ पूछी जाएगी तो वो टफ हो जाती है, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर उलझे अभ्यर्थी, मतलब सामान्य ज्ञान का जो लेवल था वो थोड़ा अलग हटके था, इसलिए उसमें इतना स्कोर नहीं किया होगा बच्चों ने। और जो हम अगर बात करें सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का तो इजी था और सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस GIC का जो अभी एग्जाम हुआ था उससे रिपीट कर दिए थे मैथ के अंदर। तो 25, जिसकी वजह से मेरिट हाई जा सकती है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस के आंसर क्या होते हैं बच्चे को डायरेक्ट जब पता होंगे तो उसका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, और जब टाइम बच जाएगा तो वो और जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली उनको वो टाइम दे सकता है। तो इसलिए मैथ का कट ऑफ हाई जाने के चांस हैं, ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस पुराने ही रिपीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा और तो आपको समझाता हूँ आगे। तो 124 पदों पर टोटल भर्ती थी जिसमें 42,914 अभ्यर्थी
ठीक है, टोटल आवेदन किया था और जिसमें से 20,833 बच्चे जो थे वो परीक्षा में शामिल हुए। अब यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि किस सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है। टोटल 42,000 में से 20,833 बच्चों ने मतलब दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लें, अगर मैं मान लूँ कि 40,000 लगभग फॉर्म पड़ा है, तो 40,000 में सभी के अगर 10-10,000, अगर चार सब्जेक्ट आपके कौन से देख लीजिएगा एक बार, जो चार सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, अगर चारों सब्जेक्टों को मान लो कि 10-10,000 बच्चों ने, मिनिमम बात करता हूँ क्योंकि ऐसा कोई डाटा नहीं है, तो अगर सिंपली अगर 10-10,000 बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया है, तो 10,000 में लगभग 48.55 के समथिंग रहा है प्रेजेंट का रेशियो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उसके हिसाब से मैं मान लेता हूँ कम से कम 10,000 बच्चों ने अगर मैथ में फॉर्म डाला है, तो उसमें कम से कम मैथ के स्टूडेंट ज़्यादा मेरे को लग रहे थे, तो उसमें कम से कम 6,000 बच्चों ने मैथ का एग्ज़ाम दिया होगा, इससे कम बच्चों ने मैथ का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, और 6,000 बच्चों में से 455 बच्चों को एग्ज़ाम में बुलाया जाना है, 455 को। ठीक है, तो मेरिट तो हाई रहने वाली, मैथ के अधिकतर स्टूडेंटों में बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे 10 से 20 या 40 बच्चे जिनका जीएस बहुत अच्छा है, वरना जीएस में लगभग ऐसी इस बार मैथ भी आए थे 4 क्वेश्चन, ठीक है, और 2 रीजनिंग के क्वेश्चन थे, टोटल 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन में मान लो कि बच्चों ने 5 क्वेश्चन तो सही कर ही दिए होंगे, तो 5 क्वेश्चन जीएस और 1-2 तुक्के में लगा के, तो मान लो जीएस में अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चन किया होगा जो सही रहा होगा, कट कटा के अगर 7 क्वेश्चन मान लेता हूँ, और पेपर इतना टफ नहीं था, तो 70 क्वेश्चन अगर मैं इधर भी मान लेता हूँ, 70 क्वेश्चन अच्छे बच्चों ने कर दिए होंगे 80 में, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 77 क्वेश्चन हो जाता है कि अच्छे बच्चों का 77 होगा, और 77 वाले बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे जिन्होंने 77 स्कोर किया है, 200 से 250 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 75 के ऊपर क्रॉस किया होगा। तो मेरे अगर अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर परसेंटेज जाना चाहिए तो 70 प्लस से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लोग बोल रहे 85, 80 या 90 चला जाएगा, इतना भी नहीं जाएगा, मैथ के 25 क्वेश्चनों को छोड़ के इतना आसान पेपर भी नहीं था कि लोग उसको बिल्कुल हलवा समझ ले, अरे 25 ही तो रिपीट हुए थे, तो 25 कर लोगे 50 तो मतलब 55 क्वेश्चन तो तब भी बचे हैं आपके, 55 में 2-4 तो गलतियाँ हो ही जाती हैं, और GIC का जो एग्ज़ाम हुआ सारे बच्चों को ये तो पता नहीं था कि सारे भाई 25 क्वेश्चन रिपीट मिलने वाले हैं, तो हो सकता है उसमें से 1-2 भी गलत किया हो, तो मैं मान लेता हूँ 70 क्वेश्चन मैथ में एवरेज स्टूडेंट कर दिया होगा, 70 और 7 77, तो 77 से ऊपर मेरे को नहीं लगता है कि मैथ का जो एवरेज है वो 77 से ऊपर जाएगा, नहीं तो मिनिमम मैं बात करूँ तो इससे कम तो नहीं जाएगा 70, और बात करूँ मैक्सिमम 75 से ऊपर भी नहीं जाएगा, और यहाँ SC OBC कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चलेगा, ऊपर के जो 13 गुने बच्चे होंगे उन्हीं को बुलाना है, यहाँ UP PGT की तरह नहीं किया जाएगा कि वो जनरल के उठा लिए इतने, है ना, तो ऊपर के वो अनरिजर्व सीट पे सिर्फ जनरल का कैंडिडेट उठा लिया, OBC पे सिर्फ OBC का, तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टॉप स्कोरर जो बच्चे होते हैं 13 गुने उन्हीं को बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर बात करूँ तो मिनिमम जो परसेंटेज रहेगा वो आपका 70, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर लूँ तो 75, इसके बीच में ही रहना, इससे ऊपर नहीं जाएगा, अगर आपका इतने में है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, 75 से ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाएगी, अगर 75 तक आपका बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, और 75 से प्लस है तब तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा मेन की। देखो ये भाई लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों ने खूब उलझाया, ठीक है, और बात कर लें तो वही बता रहे हैं कि 92 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी, 48.55 स्टूडेंट जो थे वो यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं टोटल। आगे अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 35 था, तो मेंस के लिए इसका 13 गुना बुलाया जाना है, तो 13 गुना बुलाया जाने का मतलब ये हो गया 455 बच्चे बुलाए जाने हैं। मिनिमम कट ऑफ की मैं बात कर लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे कम 70 हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 75 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।